वेलकम बैक गाइस, दोबारा से आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज। बाकी अगर आप इस वीडियो पे 5 लाख व्यूज करा देते हो, बाकी अगर इस वीडियो पे 50,000 व्यूज करा देते हो, अबे साले 25 से 1 hour later, बाकी अगर आप इस वीडियो पे 1,000 व्यूज करा देते हो तो मैं आपको दूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं दूंगा आपको एक पल्स की टॉफी। अच्छा, और उसके साथ ही दूंगा मैं आपको बहुत सारी दुआएं जिससे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो यार बिना देरी करे इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जल्दी से अपन लोग भी अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और फिर सबकी तरह अपन भी अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे। तो नामकरण भी हो गया तो वर्ल्ड की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सामने पहले अपने स्पॉन चेक करते हैं। सामने कुछ सीप हैं एंड उधर पर वुड है जहाँ से हम वुड बना सकते हैं, मतलब कि वुड एंड टूल बना सकते हैं। तो सबकी तरह अपन भी वुड कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसी से हमारा माइनक्राफ्ट स्टार्ट होता है, मतलब क्राफ्ट वर्ल्ड। एंड वुड भी हमने तोड़ ली, जल्दी जल्दी अपने लिए बनाते हैं वुडन के टूल्स। और पास ही में एक केव थी जहाँ से मैंने कोबलस्टोन भी माइन कर लिया और अपने लिए स्टोन के टूल्स ही बना लिए। अभी आवाज कहाँ से आ रही है? अभी ये तो ज़ॉम्बी, मारो इसको जल्दी। ओके, तो ज़ॉम्बी का काम तमाम हो गया। तो और स्टोन भी माइन कर लेते हैं एंड फिर थोड़ी दूर पे मुझे कोली भी दिख जाता था, मैं उसे भी माइन कर लेता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगने लगती है, इसलिए पापी पेट के लिए मैं जानवर को मारने लगता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद जानवर की हत्या करने के बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक फंडस एंड उसमें स्मेल्ट होने को रख देता हूँ अपने लिए खाना। अपना खाना भी हो जाता है स्मेल्ट, तो मैंने जल्दी से उसे खा लिया और मैंने अपना पेट भी भर लिया। एंड फिर मैं तोड़ता हूँ अपने लिए अपना फंडस एंड तोड़ता हूँ अपना डाइनिंग टेबल। मैं थोड़ी देर यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे कुछ ये दिखता है, आप खुद ही देखो भाई। भाई मुझे डेथर टेम्पल मिल जाता है, वाह। एंड यार फिर मैं उस डेजर्ट टेम्पल को लूटने चला जाता हूँ। एंड यार फिर उस डेजर्ट टेम्पल के मैं अंदर जाता हूँ और फिर जल्दी से मैं नीचे चला जाता हूँ। और भाई मैं ऐसा क्यों करता हूँ, सीधे नीचे कूद जाता हूँ, ऐसा क्यों यार। तो मैं प्रेशर प्लेट भी तोड़ता हूँ एंड देखता हूँ उधर 2 diamonds होते हैं। भाई कितना अच्छा लक है। एंड यार मैं बाकी चेस्ट को भी लूट लेता हूँ। एंड यार मेरा फिर भी मन नहीं भरता तो मैं TNT भी वहाँ के चुरा के ले आता हूँ। अबे साले। एंड फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ लेकिन तभी मुझे एक और डेजर्ट टेंपल मिल जाता है। नाइस। एंड यार फिर मैं उसे लूटने चला जाता हूँ। देन यार मैं उधर पहुँच के सीधे नीचे चला जाता हूँ। एंड उस डेजर्ट टेंपल से मुझे इतना ज़्यादा खास कुछ सामान नहीं मिलता है। देन यार मैं सब लूट के बाहर आ जाता हूँ और ढूंढने लगता हूँ जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था। 1 hour later। एंड यार थोड़ी देर बाद ही रात भी होने लगती है, इसलिए मैं अपना बेड बना के सो जाता हूँ। एंड यार अगली सुबह उठता हूँ तो मैं तोड़ता हूँ अपने अपना बेड और तोड़ता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। देन भाई मुझे याद आ जाता है कि मेरा एक गोल है जो कि है आयरन बनाना। तो यह मुझे आयरन मिल जाता है लेकिन उसके साथ ही मुझे एक स्पॉनर भी मिल जाता है जो कि था एक स्पाइडर स्पॉनर। तो अभी मुझे उसको ऑफ करना था। उधर पर मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस टॉर्च लगानी है और उधर की सारी स्पाइडर को मारना है। और हाँ भाई, ये फ्यूचर में हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है क्योंकि इसे हम, जैसे कि हमने डायमंड आर्म बनाया और एन्चेंटमेंट टेबल बनाई तो हमारे पास XP नहीं होती है, तो इससे हम XP फार्म भी बना सकते हैं।
देन यार मैंने उधर की पूरी स्पाइडर को मारा और चेस्ट भी चेकआउट की। तो उधर पर ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ी बहुत ब्रेड थी एंड स्ट्रिंग थी एंड थोड़े बहुत वीड भी था। एंड फिर मैं जाता हूँ उसी आयरन के पास और जल्दी से कर लेता हूँ उसे माइन। एंड यार मैं आप सबको अब फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने वाला हूँ क्योंकि भाई अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहता हूँ और मेरा स्टोरेज भाई भर चुका है, इसलिए ये देखो फास्ट फॉरवर्ड। एंड यार म्यूजिक ही ख़त्म होने के बाद ही हमारी माइनिंग भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो जाती है। तो फिर मैं बनाता हूँ प्लैंक एंड उसे बनाता हूँ चेस्ट एंड फिर सब सामान को मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। एंड यार ये सब करने के बाद मैं अपना आयरन पकाने को रखता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास फ्यूल नहीं होता है इसलिए मैं जल्दी से पेड़ तोड़ने जाता हूँ। एंड फिर हम उसका प्लैंक बनाएंगे और फिर उसका स्लैब बनाएंगे एंड फिर हम उसे फ्यूल में यूज कर सकते हैं। एंड यार थोड़ी देर बाद ही मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो जाता है, तो जल्दी से मैं अपने लिए बना लेता हूँ आयरन आर्मर। एंड यार फिर मैं अपने लिए बनाता हूँ अपना आयरन आर्मर एंड फिर देन यार मैं उसे पहन भी लेता हूँ। हाँ भाई मैं क्या चमक रहा हूँ। तो ये वाली वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। और अगला हार्ड कोड भी मज़ेदार होने वाला है और अभी मैं उसका काम भी स्टार्ट करने वाला हूँ जस्ट इसके डालने के बाद। तो ये मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई बाय।